आज की हमारी रेसिपी है ये क्रिस्पी और चटपटे बीटरूट कटलेट। छोटी छोटी भूख लगी हो या फिर ब्रेकफास्ट या हो टी टाइम स्नैक्स, दिस इज द परफेक्ट रेसिपी फॉर एनी टाइम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द कुकिंग फेलोज। तो चलिए जल्दी से ये चटपटी रेसिपी शुरू करते हैं। एक फ्राइंग पैन में हम लेंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें डालेंगे 2 से 3 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अपने स्वाद के हिसाब से इन्हें आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। फ्राई देम फॉर अबाउट हाफ अ मिनट और फिर इसमें हम डालेंगे हींग पाउडर 1/2 छोटा चम्मच और साथ ही डालेंगे बारीक कटे हुए प्याज अराउंड 1 कप। प्याज को हम सुनहरा होने तक रोस्ट करेंगे। ये देखिए प्याज अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें अब हम डालेंगे हरे मटर करीब 1/2 कप। एक बार इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और साथ ही हल्दी पाउडर करीब 1/2 छोटा चम्मच। अब इन सभी को हम अच्छे से मिक्स करके करीब 1 मिनट तक पका लेंगे। यहाँ हमने 2 मीडियम साइज बीटरूट को इस तरह से ग्रेट कर लिया है, तो इन्हें अब हम पैन में ऐड कर लेंगे। बीटरूट्स आर रिच सोर्स ऑफ आयरन, पोटेशियम एंड मिनरल्स और साथ ही ये हमारी नर्व्स और मसल्स को प्रॉपरली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। इन सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसमें हम कुछ मसाले डाल देंगे। सबसे पहले डालेंगे स्वाद के हिसाब से थोड़ा नमक, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अमचूर पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ ही डालेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून। और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे फिर हम कवर करके करीब 4 से 5 मिनट के लिए पका लेंगे, जब तक कि जो बीटरूट है वो थोड़े टेंडर ना हो जाएं। और ये देखिए हमारे बीटरूट और मटर अच्छे से कुक हो चुके हैं, तो इन्हें अब हम एक बोल में निकाल लेंगे और इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसमें हम डालेंगे आलू। यहाँ हमारे पास करीब 5 बॉइल्ड पोटैटोज हैं, जिन्हें हमने अच्छे से मैश कर लिया है और इन्हें अब हम इसमें ऐड कर लेंगे। और अब हमारे कटलेट्स को क्रिस्पी बनाने के लिए हम इसमें 2 मेन इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। यहाँ हमारे पास है 4 टेबलस्पून राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा, इससे कटलेट्स बहुत ही क्रिस्प बनेंगे। और दूसरा इंग्रेडिएंट्स है ब्रेड क्रम्स। यहाँ हमारे पास 1/2 कप ब्रेड क्रम्स हैं, इसे भी हम इसमें ऐड करेंगे। यहाँ पर आप स्वाद के हिसाब से नमक एडजस्ट कर लें और अब सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये देखिए आलू और बीटरूट बाकी सभी मसालों के साथ में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, तो अब हम इनके कटलेट्स रेडी करेंगे। मसाले का एक बड़ा पोर्शन लेकर इसे हम इस तरह से टिक्की या फिर कटलेट का शेप दे देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने थोड़े बड़े साइज के कटलेट्स रेडी किए हैं और सभी टिक्की को हम इस तरह से रेडी कर लेंगे। और अब इन्हें हम शैलो फ्राई करेंगे। यहाँ एक पैन में हमने ऑयल ऐड कर लिया है और इसे अब हम अच्छे से गर्म होने देंगे और अब एक एक करके हम सभी कटलेट्स को ऑयल में ऐड कर लेंगे। इन कटलेट्स को हम दोनों तरफ से क्रिस्प होने तक फ्राई कर लेंगे। इस तरह से इन्हें पलटते हुए दोनों तरफ से क्रिस्प होने दें। और ये हमारे क्रिस्पी बीटरूट कटलेट्स एकदम तैयार हैं, तो इन्हें अब हम सर्व कर लेंगे। और हमारे चटपटे क्रिस्पी बीटरूट कटलेट्स एकदम तैयार हैं। इन्हें आप ग्रीन चटनी या अपनी चॉइस के किसी भी सॉस के साथ एंजॉय करें।
तो कैसी लगी आप सभी को हमारी आज की ये रेसिपी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं आप सभी से एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।